मैं धर्मेंद्र सिंह राठौर, रहने वाला राजस्थान का, एज मेरा 38, मार्बल का काम करता हूँ। देखो, मेरा नाम है राम भजन राठौर, एमपी से हूँ मैं, एमपी में कैलारस से। नाम नवीन राठौर है और एज 35, और बेसिकली एमपी से हूँ, ग्वालियर से। जी, मेरा शुभ नाम बीरबल राठौर, हमारा इधर हम बेंगलुरु पाइपलाइन को रहता है, और हमारा मेन सिटी हमारा ग्वालियर, राजस्थान। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा है, सन ऑफ श्री बाबूलाल शर्मा है। वो मेरे पिताजी इधर करीब 30 ईयर्स ओल्ड पहले 2003 में यहाँ से मतलब रिटायरमेंट ले लिए हैं वो लोग। मेरा नाम दिनेश चंद शर्मा है, मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, अचनेरा मेरा गाँव का नाम है, अचनेरा जंक्शन है। सर, मैं MP ग्वालियर संभाग से हूँ, मेरा परिचय द्वारिका राठौड़ है नाम, मैं संभाग में गांव में कैलारस। सर, सुभाष राठौड़ नाम में है, ग्वालियर से है। थ्री ईयर होने जा रहा है। मैं कम से कम 31 साल हो गया, 22 साल हो गए हैं इधर। 94 से मैं हूँ ये फील्ड में, 18 ईयर्स हो गया ये शुरुआत करके। अभी मेरे को इधर काम करे थे 25 साल हो गया है, मैं 15 साल की उम्र में इधर आ गया था। हम सर, हमको 11 साल हो गया। मेरा एक्सपीरियंस सर एक 11 ईयर का है। 12 वर्ष कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 50,000, कम से 4-5 हज़ार घर तो होगा, कम से कम एक 500,000 के समथिंग बंगला कर चुके हैं। 4-5 हज़ार के समथिंग, अंदाज मान लो एक 150 से ऊपर रहेगा। ऑलमोस्ट इटालियन के करीबन मैं 200 से ऊपर कर चुका हूँ, लगभग 150। आर्किटेक्ट के थ्रू जो भी डेवलपर्स हैं ना, उनके द्वारा ही काम मिलता है। हमारा आर्किटेक्ट से ही ज़्यादा रहता है। आर्किटेक्ट के थ्रू भी है, राठी एसोसिएशन नाम से जो आर्किटेक्ट हैं उनके साथ भी काम कर रहे हैं हम। नहीं सर, का इंजीनियर के साथ है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी है, और हम डायरेक्ट भी पार्टी काम करता है। आर्किटेक्ट है और इंटीरियर वाले भी हैं। हमारे को बिल्डर थ्रू आता है, आर्किटेक्ट थ्रू आता है। दूसरा जगह में भी गया है हम लोग, तो थिकनेस क्या कम मिलता है। HMEG में ऐसा नहीं है, जो भी थिकनेस 20 mm के ऊपर ही मिलेगा। अपन को इधर डिफरेंस है, मटेरियल क्वालिटी है, जो अपना आर्किटेक्ट रहेगा उनका सबका इधर ही लोकेशन है। क्वालिटी का फर्क है, अच्छी क्वालिटी मिलती है HMEG में, थिकनेस बराबर मिलती है। हर जगह क्या है, थिकनेस पतली थिकनेस के दे देते हैं, अब पतली थिकनेस का क्या है, चलता नहीं है, पॉलिशिंग में या लेइंग में टूट जाता है वो। क्वालिटी में बोले तो इटालियन में तो उतना हमको नहीं रहता है, लेकिन ग्रेनाइट का 100% हम बोल सकते हैं, HMEG का ग्रेनाइट नंबर 1 है। देखिए, HMEG के पत्थर की क्वालिटी जो है वो अन्य कंपनियों में नहीं है, जैसे कि फिनिशिंग में, थिकनेस में जो फ़र्क है वो इसमें है जो अन्य में नहीं है। नहीं, वो थिकनेस में भी दिखता है, मगर कोई थिकनेस 16 mm आता है, कोई 18 mm आता है, कोई 20 mm भी आता है, तो अपना थिकनेस पक्का मिलता है उधर। तो इम्प्रूव तो काफ़ी उन्होंने कर रखा है, इसके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, देख करके खुश हूँ। HMEG जो कर रहा है अब तक किया है, बहुत अच्छे से संभाला है, और इसी तरीके से आगे संभालते चलेंगे तो ये अपने आसमान तक पहुंचेगा। ये हमको उनको बोलते हैं, हमारा नंबर 1 पत्थर के मामले में नेचुरलिटी यहीं आएगा, दूसरी जगह आएंगे तो ये चीज़ नहीं मिलेगा। मैं बोलूँगा, जितना स्टोन पे आप जितना क्वालिटी पे मेंटेन करने पे उतना ध्यान देते हैं, थोड़ा अगर वर्कर को या कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि उसको क्या है, प्रैक्टिकल करता है,
एक फिनिशिंग वाला काम करने के लिए थोड़ा उसको जानकारी होना चाहिए, वो ग्राउडिंग का, क्रैक बोन का, वो क्या फिलिंग करना है, थोड़ा इस बाबने में अगर उनको आप राय देंगे तो वो भी अपना काम थोड़ा बेटर करेंगे। जब काम बेटर होगा तो मटेरियल भी थोड़ा अच्छा बेटर दिखेगा। अब मटेरियल अच्छी क्वालिटी का लेके जाएं, काम भी अच्छा नहीं हुआ तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सुना है सभी बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बेटर लुक आ रहा है, इसलिए हम लोग अपने आर्किटेक्ट लोगों को यहीं सिलेक्शन करेंगे। सच्ची है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं। सेम जी का सर्विस हमको बेडी लुक अच्छा लगा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हम बहुत काफ़ी मतलब यहाँ से भी लिया है, लालबाग के पास से वहाँ से भी लिया है, और पुराना गोडाउन है वहाँ से संपर्क है हमारा, हमारे पिताजी के ज़माने से संपर्क है इनसे। ऐसा हमको अभी तक कुछ ऐसा नहीं लगा, कोई अनादर ऐसा हमारे साथ में नहीं हुआ, धोखाधड़ी या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर्विस के बारे में यही है कि किसी भी कस्टमर को टाइम से उनका मटेरियल डिलीवरी हो जाना चाहिए, ना कि किसी को आगे पीछे घुमाना या फिर फ्रॉड काम नहीं करने का है। जैसे चलता आ रहा आज तक कोई ऐसा फ्रॉड काम नहीं किया है। कस्टमर आता है वो जाके घर तक बड़ाई करता है, कैसे अभी से जो चीज़ लिया हम वो चीज़ हमको मिला है, यह नहीं है कि हम लेने कुछ गए थे और दिया कुछ है, ऐसे कोई भी बोला नहीं आया था। अच्छा सर्विस अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक क्लास है सर्विस में, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। एम जी के लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा और सभी कॉन्ट्रैक्टर लोगों के साथ मिलकर चलेंगे, ऐसा मतलब उसके लिए करता हूँ।